उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर कॉलोनी में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाने वाले दुकानदार को अपनी दुकान 10 मिनट की देरी से बंद करना बहुत भारी पड़ गया। खाकी वर्दी वालों ने दुकानदार की इस गुस्ताखी की सजा उसकी जमकर पिटाई करके दी। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से क्षेत्र का दरोगा नीवा चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार धूमनगंज के एक और साथी दरोगा के साथ रेस्टोरेंट के मालिक और वहां काम करने वालों पर गालियों और थप्पड़ों की बौछार कर रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाया कि दुकान 10 मिनट की देरी से बंद करना क्या इतना बड़ा गुनाह है। सर, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। 10:15 बजे मैं दुकान के बाहर बैठा था, उतने में दो दरोगा आते हैं। हम उसको बिना पूछे समझे तुरंत थप्पड़ थप्पड़ मारने लगते हैं, गद्दी गालियाँ देते हैं और मेरे साथ के साथ स्टाफ के साथ हाथापाई हुई, उनको गाली गुप्ता दिया। मैंने अपना कसूर पूछा तो बोला कि तुम्हारी दुकान 10 मिनट लेट से बंद हो रही है। क्या सर, 10 मिनट दुकान बंद करने की इतनी बड़ी सजा कि हमको आके बेइज्जत कर दें, हमको मारने लगे, यही मेरा गुनाह है। वहीं पुलिस की दबंगई का ये वीडियो सामने आने के बाद एसपी सिटी ने इस पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। ये अभी ये फुटेज आप ही ने दिखाया है, मैं इसकी पूरी जाँच कर लूँगा और जैसा भी जानकारी की गई है थाने से तो पता चला है कि कोई ठेला है जो रात में 10 बजे तक देर रात तक खुला रहता है और वहाँ कुछ इस तरह के असामाजिक और अराजक तत्व बैठते हैं, तो पुलिस जांच वगैरह में निकली रही होगी और इसकी पूरी जांच करा लेंगे कि मामला क्या है। और पुलिस के होने से जहाँ लोगों में सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, वहीं पुलिस के इस तरह के कारनामे खाकी वर्दी पर से आम लोगों का विश्वास डगमगा देती है। इलाहाबाद से एलएन सिंह के साथ तनुजा पुंडीर की रिपोर्ट।